हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे कुकिंग ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी चिकन करी की रेसिपी। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं चिकन स्टॉक बना लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन। इसे मैंने अच्छे से साफ कर धो लिया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज प्याज छोटी छोटी काट ली है। यह है 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हींग, और यह है जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर का पेस्ट। पैन में मैंने तेल डाल दिया है 4 चम्मच, और उसमें अब मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। ये प्याज हम गोल्डन होने तक तल लेंगे, और अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और हमारी हींग। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और कोरिएंडर की पेस्ट। अच्छे से भून लीजिए। इससे हमारा चिकन स्टॉक एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा 1 किलो चिकन। अब मैं इसमें तीन छोटे चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं पूरी करी का नमक अभी डाल दूंगी, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन अपना मॉइस्चर छोड़ देगा। हम इसमें अभी पानी नहीं ऐड करेंगे। अब 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रख दूंगी। तब तक हमारा चिकन और नमक पानी छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चिकन ने कितना मॉइस्चर छोड़ दिया है। अब मैं इसमें गरम किया हुआ पानी ऐड करूंगी। हमेशा याद रखिए, चिकन स्टॉक में गरम पानी ही डालिए। हमें जितनी करी बनानी है उतना पानी हम इसमें डाल देंगे। देखिए, चिकन स्टॉक में अच्छे से उबाल आ गई है। अब मैं 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे उबलने दूंगी और पैन को ढक दूंगी। तब तक मैं यहाँ मसाले तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है सूखा नारियल, यह है 1 टोमेटो, और ये 2 मीडियम साइज प्याज मैंने बारीक कट कर लिए हैं, और ये है खसखस यानी कि पॉपी सीड। अब मैं पॉपी सीड्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, हल्का गुलाबी होने तक रोस्ट करूँगी और निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई कोकोनट, इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़े से तेल के साथ। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने। और अब निकाल लूंगी। अब हम गोल्डन फ्राई होने तक प्याज को भी सॉटे कर लेंगे। इसमें भी मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी।
देखिए हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब टोमेटो को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। टोमेटो ऐसे भूनने से एक अलग टेस्ट आता है, जरूर ट्राई कीजिए। ये हमारे मसाले रेडी है। अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा मसाला ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले मिक्स करूँगी। मैं बताती हूँ मैं कौन कौन से मसाले यूज़ करती हूँ। ये है एवरेस्ट का कांदा लहसुन मसाला, ये मैंने 5 चम्मच डाला है। ये चिकन मसाला है, ये 1 चम्मच। आप किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला यूज़ कर सकते हो। यह है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 चम्मच, और यह है रोस्टेड जीरा पाउडर मतलब क्यूमिन सीड पाउडर, यह है 1/2 चम्मच। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी और अब हम इसे एक कढ़ाई में तेल में फ्राई कर लेंगे। ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने हमारे प्याज टोमेटो ये सब भून लिया था। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा तेल पसंद है। अब मैंने हमारा सारा मसाला इस तेल में डाल दिया है और इसे अच्छे से तेल छूटने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। इसे बार बार हिलाइए, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है, जल सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अब मैं इस मसाले में हमारे चिकन स्टॉक का ऊपर का जो ऑयल होता है, ये देखिए ये ऐड कर दूंगी। इसे हमारे करी को बहुत अच्छी तर्री आ जाएगी। जो ऊपर का ऑयल होता है ना, उसे तर्री बोलते हैं मराठी में, वो बहुत अच्छी आती है। आप ट्राई ज़रूर करना। देखिए इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है। देखिए इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब ये मसाला हम हमारी चिकन करी में ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये चिकन अब पक चुका है। इसे लगभग मैंने 25 से 30 मिनट तक ये स्लो फ्लेम पर उबल रहा था। ये देखिए चिकन पक चुका है, मैंने चेक किया था। अब मैं हमारा फ्राई किया हुआ मसाला इस स्टॉक में डाल दूंगी। अब हम 10 मिनट तक इस करी को ऐसे ही मीडियम गैस पर उबलने देंगे और बाद में इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए मैंने हमारी करी को एक 5-10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 नींबू का रस। ये ज़रूर डालना, इससे हमारी करी में एक अच्छी सी खटास आ जाती है थोड़ी सी। और ये गार्निश कर रही हूँ मैं कोरिएंडर के साथ। देखिए कितनी अच्छी तर्री आई है। वाओ,
ये बहुत डिलीशियस बनी है। आप इसे भाकरी, रोटी या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कुकिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।